ये है आपके 2018 का क्वेश्चन पेपर पार्ट वन का ज्योग्राफी का रुक जाना नहीं का तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे उनको देखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको पार्ट टू के 2019 के सभी एग्ज़ाम पेपर्स मिल जाएंगे जिनके लिए किसी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्ले बना के डाल दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उनको देख करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपकी अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी ताकि आ... जो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार और कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं या नॉन रिपीट हो रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको देखना चाहिए और कोई भी लिंक या वीडियो ना मिले पेपर ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर ये आप प्रश्न संख्या एक आपने देख लिया अब द ई तक हिंदी मीडियम के लिए अब इंग्लिश मीडियम की बात करें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे आपसे ए पार्ट में विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी तो ये कौन सा देश प्रदेश है ये आपको बताना है बी है होली सिटी इन इंडिया कौन सी है सी है आपका रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सा है और डी है आपका विच कंट्री हैज़ कोलोबरेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ भिलाई स्टील प्लांट और ई e है आपका विच गैस इज प्रजेंट इन एब्यूजेंस ए क्वान्टिटी इन एयर एब्यूडेंस क्वान्टिटी इन एयर ठीक है सबसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये पूछना है आपको जो इसमें सबसे ज़्यादा वैसे तो नाइट्रोजन होना चाहिए आंसर बिल्कुल सही होता है नाइट्रोजन सेकंड uh, जो है आपका प्रश्न इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है द फादर ऑफ ह्यूमन जियोलॉजी इज डैस दूसरा है इंडिया इज़ द डैस मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड और उसके बाद में ये शायद सेकेंड है आंसर यहाँ पर सेकेंड आएगा सी है आपका डैस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और इसके बाद में जेक डेस इज़ कॉल्ड द जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स और उसके बाद में ई है मनाली टू डेस रोड इज़ द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड तो आपको बताना है मनाली से कहाँ तक की रोड जो है संसार की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है क्वेश्चन नंबर तीन में आपको सही जोड़ियाँ बनानी यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से बिल्कुल राइट चॉइस करके मैच कर देना है तो इससे आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा पाँच नंबर का क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो एक एक वाक्य में आपको इसके उत्तर देने हैं तो चलिए देखते हैं वाट इज द सेकेंड नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया बी है वाट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ साइबेरिया सी है राइट द फुल नेम ऑफ इंटरनेट और उसके बाद में डी है वाट इज साउंड पॉल्यूशन और ई e है विच इज़ ए हाई हाईली प्रोटीन सियस ऑयल सीड क्रॉप पांचवा क्वेश्चन है राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी और ऑप्शन है इसमें जो है आपका कू सी यानी कि को ई सी जो सैंपल वाज ए ह्यूमन ज्योग्राफर फ्रॉम विच कंट्री इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सिक्स क्वेश्चन ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं व्हाट इज़ रूरल सेटलमेंट और ऑप्शन में आया व्हाट इज़ अर्बन सेटलमेंट सातवां क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन पूर्वा एंड विलेज और ऑप्शन में आया है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द एरो पैटर्न सेटलमेंट आठवां क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ऑप्शन में आया है राइट एनी टू रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन इसके बाद में नाइन्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गांधी फॉर्म ऑफ तमिलनाडु और और ऑप्शन आया हुआ है राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सी पोर्ट दसवा क्वेश्चन है राइट एनी थ्री मेजर्स फॉर द दनवर्ज कन्वे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया राइट एनी थ्री मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इंडिया और है आपका राइट एनी थ्री मेजर्स फॉर द कंजर वेशन ऑफ मिनरल सोर्सेस इन इंडिया ग्यारहवा है राइट एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन और ऑप्शन में है राइट एनी थ्री एडवांटेजेस बाई रेल्स रेल ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट बारवा क्वेश्चन है राइट एनी थ्री इनडायरेक्ट एडवांटेजेस बाई इंडियन फॉरेस्ट और ऑप्शन है आपका राइट एनी थ्री मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया तेरवा क्वेश्चन है राइट एनी फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और ऑप्शन में आया है राइट एनी फोर मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फोर्टीन क्वेश्चन की बात करें तो वाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग राइट इट्स एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑप्शन में है राइट फोर मेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फिफ्टी क्वेश्चन है राइट एनी फोर इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनल इन ट्रेड और ऑप्शन में आया है राइट एनी फोर इम्पोर्टेंस ऑफ सूज कैनल इन ट्रेड और उसके बाद में सोलवा है राइट एनी फोर कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और ऑप्शन में है राइट एनी फोर रीजन फॉर पॉपुलेशन माइग्रेशन इन इंडिया उसके बाद में सत्रवा जो क्वेश्चन है राइट एनी फोर रीजंस फॉर लोकेशन ऑफ कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र और ऑप्शन में है विच इंडस्ट्रियल एरिया इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया एंड वाई उसके बाद में अठारवा है व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर राइट एनी फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इंड स्टील इंडस्ट्रीज इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीसवा जो है इसमें शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड जिसमें पैनामा कैनल हो गया आपका बी ऑफ बेंगोल है मेडागास्कर हो गया वाट वाटर रूट फ्रॉम लंडन टू न्यूयॉर्क और फिफ्थ है आपका रियल रूट ऑफ ट्रांस कॉन्टीनेंटल और ऑप्शन में अगर वो नहीं तो ये सही तो इसमें क्या है शो द फॉलोइंग तो इसमें क्या है अरेबियन सी न्यूयॉर्क पोर्ट केप टाउन टू मेलबोर्न वाटर रूट ट्रांस इंडियन रेल रूट और स्विज कैनल इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसवा इसकी बात करें तो यहाँ पर है राइट द जोग्राफिकल कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वीट प्रोडक्शन इन इंडिया और ऑप्शन में आप दूसरा भी कर सकते हैं राइट मेन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एनी फाइव तो ये था आपका पार्ट वन 2018 का क्वेश्चन पेपर जाना नहीं का अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर या लिंक या प्ले नहीं मिलती तो कमेंट करना ना भूलें वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि दूसरे दोस्तों तक ये पहुँच पाए और आप भी शेयर कर दें ताकि उनकी मदद हो पाए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो